कोलकाता में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना से पूरे देश में आक्रोश है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े तमाम लोग न्याय की गुहार लगाते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक में हुए एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि घटना के करीब 12 से 15 लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में हुए सामूहिक बलात्कार के बाद अब कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर महिला की सुरक्षा नहीं दे पाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के बयान का खंडन करते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस के शासनकाल में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को याद दिलाते हुए कांग्रेस को भाजपा की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। रक्षाबंधन के दिन जो दुष्कर्म की घटना हुई थी, उस दुर्घटना में जो रेपिस्ट था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुत्र था। और आज एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से रायगढ़ में रक्षाबंधन के दिन एक आदिवासी बेटी के साथ गैंग रेप होता है, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत संवेदनशील घटना है। और भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में बेटी और महिलाएँ असुरक्षित हुई है। जो डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म हुआ, हत्या हुई, उसके लिए भी बीजेपी आंदोलन कर रही है। तो विषय ऐसा नहीं है कि शासन है तो हम नहीं बातचीत करेंगे, इसलिए कांग्रेस को इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक संवेदनशील मामला है उस पर पूरी ताकत के साथ अपनी बात को शासन के सामने रखें, आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। और ये ईश्वर से भी प्रार्थना करना चाहिए, शासन से भी कहना चाहिए कि उस परिवार के साथ, उस बालिका के साथ जिसके साथ अनाचार हुआ है, उसको न्याय शीघ्र अतिशीघ्र मिले।